क्योंकि मैं कैंसर डिपार्टमेंट में काम लगभग 3.5 साल काम कर चुका हूँ, जिसमें ब्लड रिलेटेड जितनी भी कैंसर या ब्लड रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती हैं, जैसे कि खून का नहीं बनना, सबसे ज़रूरी जो है वो भरोसा, एक डॉक्टर का अपने मरीज़ पर और मरीज़ का अपने एक डॉक्टर पर विश्वास। हेमाटोलॉजी एम्स पटना में रेसिडेंट डॉक्टर था, और कुछ दवाइयाँ जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट यानी मुफ्त में मरीजों को दिया जाए। बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। चलिए नमस्कार, स्वागत है आपका एसयू न्यूज मोर में, हूँ आपके साथ यूनुस। बढ़रिए में बात की जाए तो दिन प्रतिदिन, चाहे वो नया दुकान हो या नया जाँच घर हो या नया हॉस्पिटल हो, दिन प्रतिदिन इनॉग्रेशन हो रहे हैं। आज बढ़रिया में इसी संदर्भ में एक सुजीत कुमार डॉक्टर, जो कि एमबीबीएस किए हुए हैं और ये एम्स के डॉक्टर हैं, एम्स में 4 साल से 5 साल लगभग इन्होंने सेवा दिया है और बढ़रिया में अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनका लोकेशन बैंक ऑफ इंडिया के नीचे आइएगा, जहाँ पे पहले ठाकुर साहब बैठते थे उसी चैम्बर में अभी अपना सेवा दे रहे हैं। खुशखबरी ये है कि आप इनसे 4 तारीख को यानी 4 अगस्त को फ्री में शिविर कैंप लगेगा, यहीं पर आप उस शिविर कैंप का फ़ायदा उठा सकते हैं। जांच भी फ्री में होगा, जो जनरली जांच चल रहा है आजकल वो भी फ्री में होगा, और जो तत्काल में जांच हो जाए फ्री में होगा, दवा भी मेडिसिन भी फ्री में दी जाएगी और बिना पुर्जा का आपको ट्रीटमेंट यहाँ पे किया जाएगा। जो पुर्जा बनाएंगे उसी पुर्जे पे आप 1 महीने तक अगर सर से मुलाकात भी कर सकते हैं, दिखा भी सकते हैं। बहरहाल हम तमाम बातें प्रकाश डालेंगे। सर यहीं पर बढ़रिया विधानसभा के निवासी हैं, जानेंगे प्रॉपर रहने वाले कहाँ के हैं। चलिए सर, आपका बढ़रिया की धरती पर स्वागत है। जी धन्यवाद। सर आपने पहले कहाँ मतलब प्रैक्टिस करते थे आप? जी मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई है वो पटना बीडी पब्लिक स्कूल से हुई। आफ्टर 12th मैं कोटा में था, फिर उसके बाद मेरा ऑल इंडिया रैंक 970 था जिस साल मेरा एडमिशन हुआ, तो मैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता से मैंने पढ़ाई किया। वहाँ से पढ़ने के बाद मैंने हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल, वहाँ से फिर मैं महावीर वात्सल्य अस्पताल पटना, वहाँ पे मैं लगभग 1.5 साल था महावीर वात्सल्य अस्पताल पटना से, जो कि नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, नवजात एवं शिशु रोग के लिए जाना जाता है और एक बिहार में कहा जाए तो अव्वल दर्जे पर उसका स्थान है। फिर 1.5 साल जब मेरा वहाँ से कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं पटना एम्स पे मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी एंड हेमाटोलॉजी एक स्पेशलाइजेशन होता है उसके लिए मैं वहाँ पे चुना गया। फिर मेडिकल ऑन्कोलॉजी और हेमाटोलॉजी में मैं लगभग 3.5 साल वहाँ पे योगदान दिया, और फिर मेरा पोस्टिंग जो है वो बरौली जो सरकारी हॉस्पिटल है पीएचसी, वहाँ पे पिछले साल के सितंबर मंथ में हुआ। तो फिर मेरा जो मानना और मेरा जो सोच है कि यहाँ पे चूँकि मेरा घर पास में बरड़िया प्रखंड से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही है, भलुआ गांव का मैं हूँ, तो मेरा जो सोच है कि यहाँ के लोगों को उचित दर पर और एक बढ़िया इलाज, ताकि लोगों को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। विशेष सर अब किस कौन सी बीमारी का आपके? मेरा नवजात एवं शिशु रोग और साथ में खून संबंधी बीमारियां जितनी भी होती हैं, क्योंकि मैं पहले भी बताया मेडिकल ऑन्कोलॉजी एंड हेमाटोलॉजी एम्स पटना में रेसिडेंट डॉक्टर था वहां पे, तो खून संबंधी बीमारियां और नवजात एवं शिशु रोग से संबंधित बीमारी और खून से संबंधित बीमारी के साथ साथ, क्योंकि मैं कैंसर डिपार्टमेंट में काम लगभग 3.5 साल काम कर चुका हूँ, जिसमें ब्लड रिलेटेड जितनी भी कैंसर या ब्लड रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती हैं, जैसे कि खून का नहीं बनना या खून का नहीं जमना या खून से संबंधित जितनी भी ल्यूकेमिया बीमारी जिनको ALL VLL बोलते हैं, तो उन सब से संबंधित बीमारियाँ और साथ में नवजात एवं शिशु रोग। यहाँ पर 24 घंटा सेवा देंगे, ये सब टाइमिंग हो गया है? जी 24 घंटा तो नहीं, चूँकि मैं मेरी जो पदस्थापना है वो अभी बरौली पीएचसी में, वहाँ भी जाना होता है, इसके लिए मैं शुक्रवार को यहाँ पे नहीं रहूँगा,
बाकी मैं फ्राइडे को छोड़ के बाकी दिन सब दिन यहाँ पे 24/7 में यहाँ पर रहिएगा। सर चार तारीख क्या कुछ करने वाले हैं जो कि गरीबों को मदद मिलता है? जी जी, चार तारीख को यहाँ 4th अगस्त यानी 4 अगस्त को एक मेडिकल कैंप जिसको चिकित्सा शिविर बोलते हैं यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मरीजों का जो भी बेसिक जांचें होती हैं जिसमें हीमोग्लोबिन, चूँकि एनीमिया हमारे यहाँ मैं जो देख रहा हूँ महसूस कर रहा हूँ कि ये पूरे हिंदुस्तान का और ख़ासकर जो भी गरीब स्टेट आते हैं जैसे कि बिहार, तो यहाँ पे एनीमिया से संबंधित एनीमिया लोगों को हर अगर 10 में देखा जाए तो 6 से 7 लोगों को एनीमिया की समस्या होती है। तो हीमोग्लोबिन का जांच और साथ में ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर की जांच और सीबीसी, हाँ ये सुविधाएं यहाँ पे उस दिन उपलब्ध होंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे मशीन वगैरह? नहीं नहीं, मशीन से ही होगी। तो यहाँ पे कीजिएगा? नहीं यहाँ से नहीं, मेरे लोग हैं जो कि काफ़ी मतलब सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, जो आसपास वाले जो भी लैब वाले हैं जो यहाँ पे बरहरिया में पहले से काफ़ी दिन से हैं, जैसे कि आलम जांचकर है या कुमार वाले हैं, इन लोग से मेरी बात, कुमार जांचकर, इन लोग से मेरी बात हुई है, तो वो लोग यहाँ पे रहेंगे और मेरे कहने पे जिस मरीजों का प्रिस्क्राइब होगा सीबीसी, रैंडम ब्लड शुगर जिसमें हीमोग्लोबिन और खून की ये पेशाब की बेसिक जांच, हाँ बेसिक जांच उस दिन होगी, और कुछ दवाइयाँ जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट यानी मुफ्त में मरीजों को दिया जाएगा। चलिए अंतिम सवाल यही रहेगा, क्या कुछ बहरिया वासियों से अपील कीजिएगा कि बाहर ना जाकर अपने बहरिया में ट्रीटमेंट करें? जी सबसे ज़रूरी है भरोसा, सबसे ज़रूरी जो है वो भरोसा, एक डॉक्टर का अपने मरीज पर और मरीज का अपने एक डॉक्टर पर विश्वास। तो मेरा अपील यही है कि एक जो मैं उद्देश्य लेकर आया हूँ वो तब तक नहीं पूरा होगा जब लोग मेरे से नहीं जुड़ेंगे। अगर एक बार सेवा का मौका ज़रूर दें, और मैं वादा तो नहीं कर सकता लेकिन हाँ मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए ये थे डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह जो कि भलुआ से ही बिलोंग करते हैं। 4 तारीख को आइएगा यहाँ पे, सीबीसी मशीन द्वारा जांच किया जाएगा, रैंडम ब्लड शुगर किया जाएगा, यूरिन टेस्ट किया जाएगा, हेमोग्लोबिन चेक किया जाएगा, ब्लड ग्रुप चेक करके आपको बता दिया जाएगा। यहीं पे तमाम मशीन द्वारा भी ऐसे बहुत से कैंप देखे होंगे आप जहाँ पे सीबीसी नामुमकिन हो जाता है वहाँ पे जांच करना, लेकिन बहरिया करीब है, यहाँ पे सीबीसी आसान हो गया यहाँ पे जांच कराना। नौजवान उठाइए, बहरिया से ही बिलोंग करते हैं और एम्स में अपना सेवा दे चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि बहरिया के लोगों को इनसे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा।